अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां की गांव के लोगों ने एक ऐसी पहल की है जिससे पूरे इलाके को खास बना दिया है। इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है, क्योंकि यहां के लोगों ने पर्यावरण सुरक्षा को अपनी भावनाओं की ताकत दी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के सिकरिया गांव में पेड़ लगाने की योजना अब परंपरा का हिस्सा बन गई है। इस छोटे से गांव ने एक प्रथा की शुरुआत की है जिसमें अब किसी भी लड़की की शादी में विदाई के मौके पर पेड़ लगाना जरूरी है। बेटी की विदाई के वक्त पेड़ लगाने की वजह से पूरे परिवार का उस पेड़ से भावनात्मक लगाव हो जाता है और पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। और पहली बार हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी के हाथ से ये शुरुआत हो रही है। ग्राम पंचायत की इस पहल में पेड़ की सुरक्षा का खर्च विदा होने वाली लड़की के ससुर उठाते हैं। रामदास ने अपने बेटे की शादी यहीं की एक लड़की से की है और विदाई के वक्त इन्होंने इसी परंपरा के तहत 1100 रुपए सरपंच को दिए। उन पैसों से लड़की के घर में लगे पौधे की देखभाल की जाएगी। शादी ब्याह के मौके पर इस परंपरा को निभाने का सभी दिल खोल कर स्वागत करते हैं। एक नई योजना के तहत यहाँ हो रहा है, बहुत खुश हो मानते सकते हैं। सकरिया गांव की इस योजना को लागू करवाने में यहां की महिला सरपंच की अहम भूमिका रही है। उनके मुताबिक पेड़ लगाने की ऐसी योजना पूरे प्रदेश में लागू की जानी चाहिए। मैं ना भी रह जाऊं तो हर माँ हर पिता हर गांव में जो सरपंच हो वो एक वृक्षारोपण करके अपनी लड़की की विदाई करे। जब किसी योजना के साथ परंपरा और भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उसके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। सिकरिया गांव के पास ही है जेपी भिलाई सीमेंट फैक्ट्री, इसलिए यहां के पर्यावरण संरक्षण की जरूरत भी है। ऐसे में इस तरह की पहल सचमुच में तारीफ के काबिल है। समय के लिए राज द्विवेदी।